इना खबरां दे प्रयोजक हन। गिलको ग्रुप मोहाली तुहाडे लई लेके आए हन प्यार दियां इमारतां सच दी बुनियाद ते। पंजाब दे साबका उप मुख्यमंत्री अते श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि SIT दी जांच सिर्फ ते सिर्फ अकाली दल नूं बदनाम करन दी साजिश है, जो कि पंजाब सरकार वालों गांधी परिवार दे इशारियां ते कीती जा रही है। इस जांच दा काम बेअदबी कांड दे दोषियां नूं सजावां दिवाउणा अते दोषियां विरुद्ध बनदी कारवाई करना नहीं, बल्कि अकाली दल खासकर बादल परिवार नूं बदनाम करना है, जिस वालों बीते 4 सालों दौरान खोखली कार्रवाई की गई है। हुण भी अजिहा ही कुछ किया जा रहा है ता जो किसी ना किसी तरह अकाली दल नूं बदनाम किया जा सके। कि 4.5 साल पुरानी SIT ने किवें कीते है, किवें लोकां नूं गुमराह किया, सरकारी पैसा खर्च के दोषियां नूं नहीं फड़न वास्ते बनाई सी, उह तां कल्ले श्रोमणी अकाली दल नूं बदनाम करन दे कीती सी। हुण नवीं SIT ने ओही काम किया है, SIT नूं आई जिम्मेवारी दित्ती है। हुण ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੇ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। सुखबीर सिंह बादल शुक्रवार बाद दोपहर खरड़ विखे नगर कौंसल खरड़ दी नव नियुक्त प्रधान जसप्रीत कौर लौंगिया वालों अज संभाले गए अहुदे मौके लोकां दे जुड़े इकट्ठ ते पत्रकारां नूं संबोधन कर रहे सन। पत्रकारां नूं संबोधन करदे उन्हां इह दोष भी लगाया कि पंजाब दे सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू वालों अपने अहुदे दी दुरवरतों करदे होए करोड़ां रुपए दे कपले कीते जा रहे ने, जिस विच मोहाली जिले अंदर उसारी अधीन नव निर्माण कलोनियां नूं पास करन लई 5 लाख रुपए प्रति एकड़ दे हिसाब नाल रकम उगराही जा रही है। उन्हें कहा कि आने वाले 6 महीनों बाद पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल की सरकार होवेगी, जिन्हें भी व्यक्तियों नाल बलबीर सिंह सिद्धू वालों लुट खसुट की गई है वह पैसे वापस करवाए जाएंगे। बलबीर सिद्धू ने जो गंद पाया, जो करोड़ा रुपये की घपले किए, कोई भी कलोनी वाला जो कलोनी किसने खरड़ ते मोहाली डिस्ट्रिक्ट जे किसे ने भी कलोनी कटनी है, बलबीर सिद्धू 5 लाख रुपए किला लैंदा है। तुसी देख लो जिहड़ियां भी कलोनियां कटियां किसे कलोनी वाले नूं पुछ लो, मैनूं सारे दस के गए। पत्रकारां नूं संबोधन करदे उन्हां इह दोष भी लगाया कि बलबीर सिंह सिद्धू वालों मोहाली नाल लगदे बलौंगी विखे 11 एकड़ जमीन ते नाजायज कब्जे तों इलावा जिले विचलियां कई सरकारी जमीनां ते कब्जे कीते जा रहे ने, जिन्हां नूं उन्हां दी सरकार आउण उपरंत ना सिर्फ हटाया जाएगा बल्कि इस लई बनदी कारवाई भी कीती जाएगी। ऐसीआं जमीनां ते सरकारी जमीनां ते पंचायतां जमीनां ते कब्जे कीते, तुसीं हैरान रह जाओगे। ਬਲੌਂਗੀ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਐਸਾ 11 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੀ, ਡੱਕਾ ਤੋੜਦੇ ਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਛੋੜਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿੱਤਾ, ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਆ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ। नव नियुक्त प्रधान नूं अपना आशीर्वाद देण उपरंत सरदार बादल ने यह भी कहा कि आउंदे 6 महीने बाद पंजाब विच अकाली दल की सरकार होवेगी, उह खरड़ शहर नूं एक मॉडल हलका बनाउण लई कोई कसर नहीं छड्डणगे, ता जो खरड़ चंडीगढ़ नालों भी वधेरे तरक्की करके चंडीगढ़ तों वध सुंदर बने। उन्हां कहा कि उह ना सिर्फ खरड़ की खूबसूरती वल ध्यान देणगे बल्कि शहर नूं दरपेश मुश्किलां जिन्हां विच खरड़ विखे बस अड्डे की लंबे समय तो मंग, सेहत सहूलतां संबंधी वधिया हस्पताल तो इलावा खेडां नूं उत्साहित करन लई एक आधुनिक किस्म दा स्टेडियम भी प्रदान करनगे। इक इत्थे पानी दी बड़ी कमी है, जे जिहड़े अपने उत्थों आउणा अपने कंजौली वाटर वर्क्स तों उह पानी दी असीं मंजूरी इकदम सरकार बंद देवांगे, नाले उत्थे सिविल हॉस्पिटल दी लोड़ है, इत्थे मैनूं लगदा बस स्टैंड ते स्टेडियम आ सारीआं चीज़ां गिल साहिब जदों सरकार बणी तुसीं आप ही आ जाइओ। मैं तां आप तुहानूं पता ही है मेरा बड़ा शौक है इस इलाके नूं डेवलप करन दा। आज जो तुसीं चीज़ां देखियां अपनी सरकार दे टाइम देखियां, नहीं तां बहुत बुरा हाल हुंदा सी। इत्थे सड़कां दा की हाल सी, सिंगल लेन सड़कां सी, बिजली नहीं आउंदी सी, छोटी छोटी गलियां सी। सारी डिवेलपमेंट जिन्नी मोहाली तो लेके खरड़ तों लेके फ्लाईओवर तों लेके सड़कां बनियां अपने समय तक बनियां सी, श्रोमणी अकाली दल सरकार दे नाल बनियां सी। ते हुण तां समा परमात्मा दे, जनता पंजाब दी मौका दे, बहुत वड्डे लेवल ते असीं डिवेलप करांगे इस इलाके।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰੰਤ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਪੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਹਨ ਗਿਲਕੋ ਗਰੁੱਪ ਮੋਹਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ।